नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय बिल एजुकेशन चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 बीबीए कॉलेजेस इन उत्तराखंड। यस, उत्तराखंड में पढ़ाई करना चाहते हो, देवभूमि में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको सारे टॉप 5 जो मेन कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करके अपना एक अच्छा सा ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो, उनका मैं यहाँ पे आपको नाम दूंगा और साथ में उनका जो बेसिक चीजें हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप इनमें से एक को चूज करके अपना करियर बना सकते हो। देखो, उत्तराखंड क्या बताऊँ, ड्रीम है ना। आपको पता है कितने सारे मंदिर हैं वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है नेचर अलग लेवल का है, ठीक है। और आपको लव हो जाएगा। और देहरादून सिटी जो मैं विजिट किया था, तो एक्चुअल में देहरादून को बोला जाता है सिटी ऑफ लव। यस, लव इज बिगर देन एनीथिंग, ओके। तो बहुत मजा आएगा एक्चुअली, आई हैव टू से दैट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीबीए करोगे तो 3 साल का कोर्स करोगे, है ना। तो 3 साल का कोर्स मतलब 3 साल का ट्रिप मिल जाता है आपको उत्तराखंड के लिए। सोचो, लोग दुनिया से उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए, मसूरी हो, धनलोती हो, कई सारी सिटीज हैं आपको पता है ना। तो आपको मिल जाता है ट्रिप, मजे कर सकते हो। देखो, मजे करना ठीक है, बट पढ़ाई भी करना है ना, और अपने स्किल्स पे काम करना। बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे अपने करियर में। और बाकी देखो, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 2 चीज़ें। पहला चीज़ तो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखो, इस चैनल में आपको मिलेगा करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोज़ आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा अपने फ्यूचर में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज रह जाती है इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड क्वेरीज है, या फिर आप करियर से रिलेटेड क्वेरीज है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ कांटेक्ट करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल, ओके। तो इसी के साथ चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलेज से, वो है यूपीएस देहरादून, वन ऑफ द बेस्ट, पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें एक्चुअल में ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, ठीक है। फटाफट नाम बताऊँगा कॉलेजेस का, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा बहुत बताऊँगा, और साथ में फीस बता के वीडियो को फटाफट छोटा करूँगा, मतलब लेंथी हो जाता है एक्चुअल में, आई वांट टू से दैट, ओके। तो आपको भी पसंद नहीं आएगा उतना ज़्यादा लंबा वीडियो। बाकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो हर एक कॉलेजेस का, तो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप पूरा का पूरा डिटेल्ड में वीडियो देख सकते हो हर एक कॉलेजेस का इनका, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं यूपीएस देहरादून। देखो, आप बेसिक देख लो, इनका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था और यूपीएस के नाम से जाना जाता है, और सबसे बड़ा यूजीसी से अवार्डेड है, और साथ में सॉरी अप्रूव्ड है, और बी ग्रेड एक्रेडिशन इनको था पहले, बट अब ए ग्रेड अभी मिल चुका है। और बाकी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी है ओरेकल, आईबीएम, इंफोसिस के साथ। और नेक्स्ट चीज, यूजी, पीजी, पीएचडी सारे कराए जाते हैं, लगभग 20 कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पे। एडमिशन कराए थे मेरिट और एडवांस बेस्ड है। और यहाँ पे फेमस जो कोर्सेज हैं वो है बीटेक, एमबीए, बीबीए, स्कॉलरशिप क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, और 10 तरह के स्कॉलरशिप दी जाती है, बहुत ही जबरदस्त है, आप वीडियो देख लेना इसका फुल, ठीक है। और प्लेसमेंट परसेंटेज 94% है, और हाइएस्ट प्लेसमेंट जो यहाँ पे लगा हुआ वो है 45 LPA। और यहाँ पे फी बताऊँ तो देखो, बीबीए का फी यहाँ पे लगभग पड़ेगा टोटल वो है 8.41 लाख से लेकर 10.04 लाख, ठीक है। हो गया, ये हो गया यूपीएस पहला। अब दूसरा हम बात करते हैं माय फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो मुझे लगा बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है दून बिजनेस स्कूल। यस, पर्सनली मैंने विजिट किया हुआ है, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का मैं नाम बताऊंगा, उनमें मैं विजिट कर चुका हूं, ठीक है। तो दून बिजनेस स्कूल अमेजिंग है। तो चलिए बात करते हैं यहां का भी। देखो, बेसिक चीज़ आप देख लो स्क्रीन में, इनका 2007 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अप्रूवल EICT के द्वारा मिला हुआ है, UGC के द्वारा मिला हुआ है, एप्लीकेशन UTU से है, और एंट्रेंस एग्जाम कई तरह के एक्सेप्ट करते हैं, पॉपुलर कोर्सेज हैं MBA, PGDM, BBA, ये सारे, और एडमिशन क्राइटेरिया मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड है। टॉप रिक्रूटर्स जॉनसन एंड जॉनसन, एक्सिस बैंक है, और लगभग यहाँ पे 1380 सीटें हैं, और फैसिलिटीज अवेलेबल है सारे जो भी बेसिक होता है, और DBS के नाम से फेमस है। कैंपस साइज 72 एकड़ का है, फुल टाइम पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पे, और नंबर ऑफ कोर्सेज 12 है, और सैलरी हाईएस्ट जो लगा है 23.5 एंड एवरेज 7.4। तो ये था यहाँ का बेसिक चीज़ें। और फीस देखो, फीस भी नॉर्मल है, ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बट नॉर्मल आप कह सकते हो, वो है 70,000 पर सेमेस्टर, मतलब लगभग 1,40,000 रुपये पर ईयर का आपको पड़ जाएगा यहाँ पे पढ़ाई का, ठीक है। तो ये था दूसरा कंप्लीट। अब तीसरा बात करते हैं, वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो, इसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में तब्दील कराने का कह सकते हो, या फिर बनने का, लेकिन ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है कुछ ही टाइम में, ठीक है। मैं इसको भी विजिट कर चुका हूँ, इनका कैंपस काफ़ी सॉर्टेड है, ठीक है, मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाईवे के जस्ट पास में है ना।
तो यहाँ पे जाने आने में कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, और माहौल अच्छा है, ठीक है, फ्रीडम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको। ओके, जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फिर इसका भी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, देख लो आप स्क्रीन में। 2017 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, प्राइवेट है, कैंपस रुड़की में है, AICTE UGC से रिकॉग्निशन मिला हुआ, कैंपस साइज 30 एकड़ का है, और कॉलेज रैंकिंग 60 है MBA के लिए। मोड्स ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन, फुल टाइम, डिस्टेंस लर्निंग तीनों कराया जाता है, 113 कोर्सेज कराया जाता है, और 3 तरह का स्कॉलरशिप है, और हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे 18 लाख तक लग चुका है। तो ये था यहाँ का बेसिक चीज़ें। अब फीस देख लो, फीस यहाँ पे भी उतना ज़्यादा हाई फाई है नहीं, तो लगभग टोटल फी लगभग 2.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक आपका लग जाता है। इस सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कौन सा सिलेक्शन आप लेना चाहते हो। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वो है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन देहरादून, 4th नंबर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदर है देहरादून में, बट इंस्टीट्यूट बहुत ही मेंटेन है, बहुत ही मेंटेन है। इनका जो पार्क मैं देखा अमेजिंग था, ठीक है, बट ये थोड़ा सा अंदर आपको देहरादून में मतलब जाना पड़ता है। तो ठीक है, अगर आप चाह ही रहे हो तो मजे लो फिर, है ना, देहरादून का पहाड़ियों का पहाड़ी इलाका है। और बाकी चलो बेसिक चीज़ें आप यहाँ का देख लो। स्टूडेंट 2005 में हुआ था, प्राइवेट है, अप्रोवलम कोई AICTE के द्वारा मिला हुआ है, और एफिलेशन UTU है, और एंट्रांस एग्जाम कई तरह के एक्सेप्ट करते हैं, कोर्सेस UG PG डिप्लोमा दोनों है, तीनों है, सीट अवेलेबल 2160 है, और टॉप कंपनीज यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज आ चुके हैं। की पॉइंट्स आप देख लेना, ठीक है, वीडियो लेंदी हो जाता है ज़्यादा डिस्कस करने से। कैंपस एरिया 42 एकड़ का है, और तीसरा चीज यहाँ पे 68 कोर्सेज कराए जाते हैं, 14 स्ट्रीम एडमिशन कराए जाते हैं, एंट्रांस और मेरिट बेस्ड है, स्कॉलरशिप 3 तरह के दिए जाते हैं, और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे जो लगा हुआ है 40 LP, यस 40 लाख, और एवरेज 5.7 है। और यहाँ का फी आप देख लो, फी बहुत ही नॉर्मल है, टोटल फी BBA का सिर्फ और सिर्फ 2.15 लाख है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, सबसे लास्ट वो है हमारा ग्राफिक एरा देहरादून, यस बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इसे, ठीक है, उत्तराखंड का। चलो इसका भी बेसिक चीज़ आप जान लो, 1993 में बना था ये, और ग्राफिक एरा एजुकेशन सोसाइटी इसको मैनेज करता है, रिकग्निशन UGC AICTE के द्वारा मिला हुआ है, एक्रेडिटेशन NAC 1 के द्वारा मिला हुआ है, ठीक है, ये ग्रेड है, एलुमिनी 17,000 से ज़्यादा निकल चुका है, कोर्स ऑफर कई तरह के कराए जाते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रांस बेस्ड है, और कई तरह के एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज आ चुके हैं, विप्रो इंफोसिस जैसे कंपनीज, कैंपस एरिया 25 एकड़ का है, 12 डिपार्टमेंट है, हॉस्टल कैपेसिटी 2500 है, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन भी है इनका, स्कॉलरशिप जो है 25% देते हैं हिमालयन रीजन के क्षेत्र के बच्चों को, ठीक है, मतलब इसका कि जो हिमालयन साइड से है, जो भी स्टेट्स, ठीक है, वो है उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया कह सकते हो, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, ये सारा कुछ 25% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और फीस देख लो, फीस है 4.5 लाख से लेकर 5.08 लाख तक फर्स्ट का फी है, फी थोड़ा सा हैवी है, बट आपको बहुत अच्छा फैसिलिटीज देता है यहाँ पे। तो ये था टॉप 5 BBA इंस्टीट्यूट वो उत्तराखंड, ठीक है, और बाकी कोई भी क्वेरीज रहता है व्हाट्सएप करो, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।